गाइज गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टेक्निकल राजा। दोस्तों अगर आप पंजाब नेशनल बैंक के कस्टमर हैं तो दोस्तों आपको एटीएम कार्ड जरूर मिला होगा। अगर नहीं मिला है तो आपने ब्रांच जाकर भी अपना एटीएम कार्ड लिया होगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही हम अपना एटीएम कार्ड ले लेते हैं या हमें पोस्ट ऑफिस के थ्रू जैसे ही एटीएम कार्ड रिसीव हो जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, एटीएम पिन जनरेट करते हैं। लेकिन दोस्तों एटीएम पिन जनरेट करने में हमें एक समस्या का सामना करना पड़ता है। तो जैसे ही आप अपना एटीएम पिन बनाने के लिए जाते हैं तो वहां पर लिख किया जाता है इनवैलिड कार्ड डिटेल्स। दोस्तों इस समस्या का समाधान आज की इस वीडियो में लेकर आ चुका हूं। तो दोस्तों आपको बिना स्किप किए ही इस वीडियो को लास्ट तक देखते जाना है, तभी जाकर आप समझ पाएंगे किस प्रकार से अपना यह सॉल्यूशन आपको निकालना है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, जिस दिन आपको कार्ड मिलता है, जैसे कि आपने ब्रांच से इंस्टेंटली कार्ड लिया होगा, अगर उसके 24 घंटे के बाद भी अगर आपको यह समस्या आ रही तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस कार्ड को लेकर अपनी ब्रांच में जाना है। वहां पर उस कार्ड को क्या करना है, वेरीफाई करवाना पड़ता है, क्योंकि कार्ड अगर वेरीफाई नहीं होगा तो आपको यही समस्या का सामना करना पड़ेगा। वहीं पर दोस्तों अगर आपको पोस्ट ऑफिस के जरिए भी अपना एटीएम कार्ड रिसीव होता है उसमें अगर यह समस्या आ रही है तो भी आपको ब्रांच ही जाना पड़ेगा अपना कार्ड वेरीफाई करवाने के लिए, क्योंकि वहां से जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद जैसे ही अपना एटीएम पिन जनरेट करेंगे तो आसानी से आपको इस समस्या का समाधान मिल जाएगा। उसके बाद आप आसानी से अपना एटीएम पिन जनरेट कर सकते हैं और अपनी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। अगर वहां से भी आपको कोई भी समाधान नहीं मिलता है तो आप यहां पर इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है कि पीएनबी के खिलाफ आपको शिकायत कैसे करना है, तो सिंपली से आप वहाँ से वीडियो देख कर अपनी शिकायत भी कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए टेक केयर।